सोसाइटी में विदेशी नागरिकों के द्वारा चलाई जा रही एक और ड्रग्स फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 15 दिनों के अंदर पुलिस की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में 15 दिन के अंदर ड्रग्स बनाने की दूसरी फैक्ट्री भी पकड़ी गई। ये फैक्ट्री सेक्टर ओमेगा स्थित जज सोसाइटी के करीब मित्रा सोसाइटी के घर में चल रही थी। पुलिस ने मौके से 30 किलो ड्रग्स बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस फैक्ट्री को भी अफ्रीकी मूल के लोग ही चला रहे थे। पुलिस ने वहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा में पकड़ी गयी ड्रग्स की फैक्ट्री। ओमेगा की जज सोसाइटी के पास मकान पर रेट 200 करोड़ के ड्रग्स के साथ 3 लोग गिरफ्तार। 15 दिन के अंदर दूसरी ड्रग फैक्ट्री पकड़ी गई। एक हफ्ते में पुलिस का दूसरा बड़ा एक्शन। 16 मई को थीटा 2 में पकड़ी गई थी नशे की फैक्ट्री। वहां से 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुए थे। ड्रग्स के साथ 9 अफ्रीकी नागरिक भी गिरफ्तार हुए थे। 15 दिन में ड्रग्स बनाने की दूसरी फैक्ट्री पकड़ी गई। कल एक अवैध ड्रग फैक्ट्री थीटा 2 थाने के अंतर्गत जजेस कॉलोनी चौकी के 3 मंजिला मकान में चलती हुई रंगे हाथ पकड़ी गई है। 3 अफ्रीकी मूल के विदेशी नागरिकों को भी वहां से मौके से गिरफ्तार किया गया है। इस नई ड्रग फैक्ट्री में 30 किलो 900 ग्राम बना हुआ प्योरेस्ट फॉर्म का एनडीएमए ड्रग रिकवर किया गया है। कुछ अर्ध निर्मित ड्रग भी मौके से पकड़ा गया है। यहाँ बन रहे ड्रग्स दिल्ली एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित रेव पार्टियों के अलावा विदेशों में सप्लाई की जा रही थी। इसके पहले 16 मई को पुलिस ने थाना सूरजपुर क्षेत्र के सेक्टर थीटा 2 में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक भारतीय और 9 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की फाइनेंशियल अकाउंट डिटेल समेत ट्रांजैक्शन पर भी पुलिस नजर गड़ाए हुए है। आरोपियों के मोबाइल खंगालने के साथ ही साथ कॉल और मैसेज की भी पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस टीम के कई स्पेशल अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर फैल रहे ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने में जुटे हुए हैं। नोएडा बन रहा ड्रग्स फैक्ट्री का हब। ग्रेटर नोएडा की मित्रा सोसाइटी में चल रही थी नशे की फैक्ट्री। कोरियर के माध्यम से विदेशों में की जा रही थी सप्लाई। मकान मालिक को नहीं थी विदेशी नागरिकों की सूचना। अरबों रुपए विदेशी खातों में करते थे ट्रांसफर। बीटा 2 पुलिस और स्वाट टीम ने की गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा के अलग अलग क्षेत्रों में बीते 15 दिनों में करीब 500 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नोएडा में ड्रग्स माफिया किस तरह से हावी है। फिलहाल पुलिस ने 15 दिन के अंदर 2 फैक्ट्री पकड़कर ड्रग्स माफियाओं की कमर तोड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो देखिए 15 दिन में ड्रग बनाने की दूसरी फैक्ट्री पकड़ी गई है और पुलिस ने देखिए ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। और दूसरी बार ये देखिए पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 200 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं।